स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को हम बताएंगे स्प्लेंडर प्रो हीरो का जो बाइक है, मेरे मैकेनिक भाइयों इस बाइक का आप लोगों को बताएंगे सेल्फ किस तरह से वर्क करता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस वीडियो में आपको बताएंगे सेल्फ रिलेटेड वीडियो, क्योंकि वीडियो अगर हम लोग 8 मिनट का बना दें सेल्फ के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होता है, क्योंकि हम लोगों का सेल्फ का जो रिले होता है, ये रिले किस तरह से काम करता है, सेल्फ का स्विच जो होता है मेरे मैकेनिक भाइयों, इसमें बोल्ट किस तरह से आता है और मोटर में बोल्ट किस तरह से जाता है। तो अगर जैसे कि ये मोटर अगर कट जाए तो इसमें क्या दिक्कत होगा, अगर ये रिले ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, ये स्विच ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, तो मेरे मैकेनिक भाइयों इस वीडियो में बताऊँगा। और ये जो मॉडल आपको बताया ये सिर्फ इस बाइक का नहीं है, जैसे कि HF डिलैक्स हो, CD डिलैक्स हो, स्प्लेंडर प्लस हो, स्प्लेंडर प्रो, ये सब बाइक का एक ही सिस्टम होता है और जैसे कि आप लोगों को हम बताएंगे और 100% काम करेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मेरे मैकेनिक भाइयों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इग्निशन को ऑन करेंगे मेरे मैकेनिक भाइयों, ठीक है। करने के बाद जैसे कि अगर हम लोगों का सेल्फ वर्क नहीं कर रहा है, सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो हम आपको बताते हैं किस तरह से चेकअप करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि ये जो सेल्फ का रिले होता है इसमें जैसे कि 4 वायर होता है, ये बैटरी का टर्मिनल से एक वायर आता है और जैसे कि ये जो मोटा वाला वायर है ये डायरेक्ट चल जाता है सेल्फ मोटर पर। अब सवाल है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो छोटा वाला 2 वायर है ये कहाँ से आता है? ये पॉइंट वाली बात है मेरे मैकेनिक भाइयों, क्योंकि कोई भी बाइक पर अगर रिले जैसे कि काम करता है तो हम लोगों को जैसे ज़रूरत होता है एक बोल्ट का और एक आर्थिंग का। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये रिले जब भी काम करेगा इसमें बोल्ट और ग्राउंड आएगा तो ही, तब मैं बता देता हूँ जो बोल्ट कहाँ से आता है और ग्राउंड कहाँ से आता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो आपको दोनों वायर दिखाई दे रहा है, एक जैसे कि हरा में थोड़ा रेड है और थोड़ा पीला में रेड है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो हरा में जो रेड है ये आता है जैसे कि इंजन अगर बाइक न्यूट्रल पोजिशन में रहा है तो यहाँ ऑटोमेटिक ग्राउंड आता है, और बाइक में अगर GR में रहा है तो क्लच दबाने में ग्राउंड आता है, ठीक है। ग्राउंड आएगा तो ही हम लोगों का रिले काम करेगा। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि ग्राउंड हमको मिल गया, जैसे कि इंजन न्यूट्रल पर है तो न्यूट्रल से हमको ग्राउंड मिल गया, अब बोल्ट कहाँ से आता है? ये जो पीला में रेड है मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ दिखाइए, ये जो सेल्फ का स्विच है पीला में रेड है। अब ये जो ब्लैक वाला वायर है मेरे मैकेनिक भाई, यहाँ से चल जाता है जैसे कि इस कपलर पर, और जब इग्निशन ऑन करते हैं तो ब्लैक कलर में एक 12 वोल्ट आता है, वहीं से ये 12 वोल्ट लाइन ले लेता है। जब हम लोग कोशिंग करते हैं तो इस वायर पे 12 वोल्ट आता है। अब हम आपको मल्टीमीटर के साथ चेकअप करके बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों सबसे पहले हम चेकअप करेंगे वोल्ट, ठीक है, सबसे पहले चेकअप करेंगे वोल्ट। तो चलो हम लोग वोल्ट चेकअप करेंगे किस तरह से। तो मल्टीमीटर को 20 पे तक किया और जो पीला में रेड है इसमें हम जैसे कि एक वायर लगाएंगे और जैसे कि कहीं ये बॉडी का हाथ इसको टच कर देंगे इस वायर को। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हमने टच कर दिया, अब जैसे कि यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा है, अब हम आपको यहाँ दिखा रहा है स्विच के दबा रहा हूँ, देखो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों देखो 12 वोल्ट लाइन यहाँ आ चुकी है, ठीक है, 12 वोल्ट लाइन आ चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें 12 वोल्ट तो हमको लाइन मिल गया और जैसे कि ग्राउंड चेक करना है, तो ग्राउंड हम लोग किस तरह से चेकअप करें, तो जैसे कि यहाँ आपने दिखाया, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आप लोग किस तरह से चेकअप करें, अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं हो तो वोल्ट आप किस तरह से चेकअप करें, तो ये आप लोग यूज कीजिए। जैसे कि कोई भी वायर हम ये रेड में जो पीला है इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो चलो लगा दिया और एक वायर को यहाँ लगाएंगे और सेल को स्विच दबाइए, यहाँ दिखाइए, तो देखो वो दबा रहा है और छोटा है, यहाँ वोल्ट आ रहा है, तो हम लोग को इसी से पता चल जाता है वोल्ट आता है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों जैसे कि ग्राउंड आ रहा है कि नहीं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस वायर पे हमने लगा दिया, ठीक है, इस वायर पे हमने ग्राउंड चेक करने के लिए लगा दिया, तो चलो सेल्फ का स्विच दबाओ, तो देखो यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। अभी बाइक जैसे कि न्यूट्रल पोजिशन में है, अब जैसे कि बाइक को गियर में हम करते हैं, ठीक है, तो गियर में कर दिया, अब सेल्फ का स्विच दबाओ, ये काम नहीं करेगा, अब नहीं काम कर रहा है, देखो गियर बार है। अब जैसे कि हम लोग क्लच दबाएंगे, यहाँ दिखाइए, हाँ देखो एक क्लच हमने दबाया, ये ठीक काम कर रहा है, क्लच हमने छोड़ दिया और काम नहीं करेगा, फिर हम लोग क्लच दबाएंगे, ये काम कर रहा है, देखो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अगर बाइक न्यूट्रल पोजीशन में रहे तो ऑटोमेटिक इसमें ग्राउंड आएगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल से कनेक्शन से, और अगर जैसे कि बाइक गियर में हो तो क्लच दबाने से ये जो क्लच का स्विच होता है
इसमें जैसे कि एक वायर में ऑटोमेटिक, एक वायर में ऑटोमेटिक जैसे कि अर्थिंग होता है, और क्लच दबाने के बाद जब हम इसको पुश करेंगे, क्लच दबाएंगे, तो ये दोनों तार को शॉर्ट कर देगा और ग्राउंड आएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर हम लोगों का ग्राउंड 12 वोल्ट ठीक आ रही है फिर भी सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो अब हम लोगों को सेल्फ किस तरह से चेकअप करें, सेल्फ हमारा कार्बन ख़राब है या आर्मेचर ख़राब है, हम लोग को किस तरह से जांच करें, तो चलो वो भी आपको बताते हैं, उस पर चलिए। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, अगर जैसे कि हम लोग यहाँ एक जैसे कि वायर लगाएंगे और एक बॉडी का साथ टार्च करेंगे, तो देखो ये मल्टीमीटर यहाँ शो करेगा और 12 वोल्ट आएगा, ठीक है। आपको बिलीव नहीं करेंगे, आपको हम दिखा देते हैं, 100% ये काम करेगा। जाइए सेल्फ मारिए, रुकिए सेल्फ मारिए, अब यहाँ 12 वोल्ट शो करेगा, सेल्फ मारो, दबा दबा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, काम कर रहा है, 12 वोल्ट आना चाहिए। अगर 12 वोल्ट यहाँ करंट आ रही है, वोल्ट आ रही है, बट सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सेल्फ का अंदर जो कार्बन होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हम लोग किस तरह से जांच करें, तो हम लोग जैसे कि सेल्फ को भी हम लोग मल्टीमीटर से जांच कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ एक वायर लगाया और एक सेल्फ को पॉइंट में लगाएंगे, तो मेरे मैकेनिक भाइयों कुछ इस तरह का काम करेगा, और ये काम करेगा एकदम 100%। अगर सेल्फ ख़राब रहे तो यहाँ एकदम कुछ भी शो नहीं करेगा, और हमको बता देगा जो हमारा सेल्फ का कार्बन कट चुकी है, तार कट चुकी है, तो उस वक्त हम लोग को सेल्फ न्यू डालना है, या जैसे कि सेल्फ को खोल के रिपेयर करना है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सेल्फ भी हम लोग मल्टीमीटर से जान सकते हैं ख़राब हुआ। अगर यहाँ तक वोल्ट आ रही है, सेल्फ नहीं घूम रहा है, तो इसका कारण है सेल्फ ख़राब हो चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को बताया सेल्फ का रिले किस तरह से काम करता है, मोटर अगर रिले सेल्फ का अगर ख़राब रहे तो हम लोग जाँच किस तरह से करें, जैसे रिले अगर ख़राब हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो एक चीज़ आप लोगों को बताया नहीं, जो अगर सेल्फ का रिले ख़राब हो जाए तो हम लोग जांच किस तरह से करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ जैसे कि 12 वोल्ट आ रही है और अर्थिंग भी आ रही है, बट इसमें 12 वोल्ट नहीं निकल रहा है, ये जो मोटर का वायर है इसमें 12 वोल्ट नहीं निकल रहा है। तो अगर 12 वोल्ट नहीं निकलेगा तो हम लोगों को जैसे कि सेल्फ रिले ख़राब है। तो आप लोगों को बताया यहाँ 12 वोल्ट जैसे कि हम स्विच दबाएंगे 12 वोल्ट आएगा, और यहाँ न्यूट्रल में रहे तो अर्थिंग आएगा। अगर अर्थिंग 12 वोल्ट आ रही है तो ये जो हम लोगों का आउटपुट वायर है, इस वायर में ये चल जाता है डायरेक्ट सेल्फ का, जैसे कि सेल्फ पर, तो इस वायर में वोल्ट आएगा अगर मेरा रिले अच्छा रहे तो। अगर रिले ख़राब रहे तो इस वायर में वोल्ट नहीं आएगा, तो उस वक्त आप लोग रिले चेंज कर दीजिए। मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो आप लोगों को हर कोई चीज़ बताया, ये सिर्फ ये बाइक के लिए नहीं है, हर कोई बाइक का सेल्फ का जो सिस्टम होता है, जो नियम होता है, सब एक ही सिस्टम है, लेकिन हम लोग को जानना है इसका ग्राउंड कहाँ से आ रहा है, इसका वोल्ट कहाँ से आ रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हर बाइक का जो सेल्फ सिस्टम होता है, और हम लोगों को सिर्फ जानना है इसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, आउटपुट कहाँ से जा रहा है, और वोल्ट कहाँ से आ रहा है, अर्थिंग कहाँ से आ रहा है। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।